नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूँ आपके रमन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी कोई सिंगर स्टेज प्रोग्राम में गा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको नहीं बताता है कि कौन सा स्केल में वो गा रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स वो सुर लगाएगा, ठीक है, आलाप लेगा, तो उसी से आपको समझ जाना है कि कहाँ से प्ले हो रहा है। आप जैसे जैसे वो आलाप लगाएगा फ्रेंड्स, जैसे वो आलाप लगाएगा फ्रेंड्स, कोई भी सिंगर होंगे वो आलाप लगाएंगे, ठीक है, तो उसी दौरान आपको क्या करना है, आपको स्केल तुरंत सडनली आपको फाइंड करना है, जैसे वाइब्रोफोन से या फिर कोई से इसका अनुभव होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे आप अनुभवी हो गए, ठीक है, जैसे आपका प्रैक्टिस जो स्केल में वो तगड़ा से हो गया होगा, तो आप जो है तुरंत आप पकड़ लेंगे, जहाँ कहीं से भी जैसे दूसरा आप टच करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर आप जैसे शुरू में जैसे आप प्रैक्टिस करते वक्त फ्रेंड्स, जैसे आप कोई सा भी गाना सीखते हैं, कोई सा भी सॉन्ग है, उसको आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम के तौर पर ले लीजिएगा, फिर उसके साथ साथ प्रैक्टिस करेगा, सडनली आपको कहीं पे बैठा दिया जाएगा ना फ्रेंड्स, उसमें आप ऐसा नहीं खोज सकते कि एक एक बटन आप चेक करके, वहाँ उतना का समय नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको सडनली उसमें कैच करना पड़ता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्केल में प्ले कर रहे हैं तब की बात तो सही है कि आप ट्रांसपोज करके अपने स्केल में उनका आवाज़ को आप ला सकते हैं, बाकी जैसे कि आपको पूरा अच्छे तरीके से स्केल का प्रैक्टिस जो होना है वो बहुत ही नेसेसरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे कोई सिंगर आपके सामने है, सुर लगा रहे, ठीक है, तो उसके साथ आपको मैच करना है, इसके साथ मैच कर रहा है जैसे कि, तो इसका कोड बन जाएगा ये, ठीक है, तो ये जिस सुर लगा रहे जिस स्केल में वही लाइन आपको प्ले करना है। देखिए ये पूरा सरगम ऐसे प्ले होगा, इसी में ही उनका जो भी म्यूजिक पार्ट है, जो भी गाने का मुखड़ा अंतरा सारा म्यूजिक इसी में प्ले होगा, और आपको इसमें आपको जो वो मेन गाने का आपको म्यूजिक भी नहीं याद रहेगा फ्रेंड्स, तो भी आप सेम उनका जो राग है, जो सॉन्ग वो गा रहे हैं, उसी हिसाब से आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, ठीक है, अपने मन से जैसे वो स्केल में सुइटेबल हो उस टाइप से आपको प्ले करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का स्केल वाला, और जो फ्रेंड स्केल का जो फॉर्मूला है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे स्केल बनता है, टोन सेमी टोन से, ठीक है, उसका फॉर्मूला है दोस्तों, वो सारा चीज़ आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, तो डेली आप कंटिन्यू देखिएगा वीडियो, स्केल प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो स्केल कैसे बनता है, क्या करता है फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के इस वीडियो में यह था फ्रेंड्स कि आपको अनुभवी होना है, ठीक है, जैसे आप प्ले कर रहे हैं तो आपको सुर सुनाई देते ही आपका जो है फिंगर एकदम से आ जाना है उसमें, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको प्रैक्टिस, आपको स्केल प्रैक्टिस पूरा जितने भी स्केल हैं कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करना है, हर एक स्केल में आपका फिंगर जो है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छी तरीके से प्ले होना चाहिए, तभी जाके आप जो है प्ले कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस जारी रखें और डेली देखें वीडियो, न्यू वीडियोज़ डेली इस चैनल पर लाते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली नया नया सॉन्ग सीखिए, और जैसे कि आप कोई सॉन्ग सीखते हैं तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करें ओरिजिनल स्केल में ढूंढने के लिए, जो भी सॉन्ग प्ले होता है आप म्यूजिक सिस्टम में प्ले कर सकते हैं, और फिर एक एक फिंगर में आप चेक कर सकते हैं, नोटेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों, उसके बाद आप पूरा जो है आप बजा पाएंगे, तो यही फॉर्मूला से जो है आप लाइव स्टेज में बजा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई भी सिंगर आलाप लगाएंगे उसको आपको पकड़ना है, और सेम उसी लय में आपको प्ले करते जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस बस करना है, डेली एक सॉन्ग सीखिए आप डेफिनेटली लाइन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप रॉयल एक्सप्रेस 10 का टोन या फिर लूप चाहते हैं, या फिर कोई सजेशन हमसे लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम यहीं एंड करते हैं वीडियो, और फिर नेक्स्ट में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।